जो बिहार की राजनीति में अनूठी है, देश के लोकतंत्र में और चुनावों में इस तरह की बातें नहीं होती। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज घोषणा पत्र आरजेडी की तरफ से जारी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंच पर, यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि घोषणा पत्र कुछ ही देर में जारी करने वाले हैं। इसमें काफी कुछ लोगों के लिए हो सकता है और कहा जा रहा है कि रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के तेजस्वी यादव कुछ अच्छी खबर लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि लगातार नौकरियों को लेकर अपने 17-18 महीने के कार्यकाल को लेकर लगातार तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि उन्होंने काफी कुछ काम किया है, जनता को आश्वासन दिया है कि उन्हें अगर 5 साल का मौका मिले तो, जब आपने देखा कि 17-18 महीने में हमने जितना काम किया, इतनी नौकरियां दी, तो 5 साल में काफी कुछ लोगों के लिए होगा, खासतौर पर महिलाओं के लिए भी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि खुशखबरी हो सकती है महिलाओं को। ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए मासिक वेतन की बात भी कही जा रही है, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं। और आपको ये बता दें कि खास तौर पर नौकरी को लेकर के तेजस्वी यादव आज बात कर सकते हैं, रोजगार आज मुद्दा हो सकता है। तो इस घोषणा पत्र में और क्या कुछ रहने वाला है ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो कुछ ही देर का इंतजार है, मंच पर बैठ गए हैं सभी लोग और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव घोषणा पत्र जारी करेंगे। सभी के हाथों में आप देख सकते हैं ये जो बुक है वो सभी ले रहे हैं और पढ़ करके अब दर्शकों को बताया जाएगा, जनता को ये बात बताई जाएगी कि उनके लिए क्या कुछ खास होगा अगर वो आरजेडी को चुनते हैं तो। तो किसानों को गारंटी देने की भी बात की जा रही है, किसानों के भी पक्ष में काफी कुछ इस घोषणा पत्र में हो सकता है। तो इस पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, बस कुछ ही क्षण का और इंतजार है। आप देख सकते हैं सभी के हाथों में ये जो पतली सी बुक आप देख रहे हैं ये घोषणा पत्र है और अभी जैसे ही ये खुलेगा सबके सामने होगा कि अगले 5 सालों के लिए अगर आप चुनते हैं आरजेडी को तो फिर आपको क्या मिलेगा, जनता किस तरीके से लाभ पहुंचा सकती है आरजेडी। तो आरजेडी का घोषणा पत्र हमारे पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और जितने हमारे यूट्यूबर्स पोर्टल मीडिया के साथी हैं, आज जैसा मनोज झा जी ने बताया कि सुबह सुबह आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है, जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जिससे बिहार देश की हमारी जनता का भला कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। हालांकि 2-4 सीट से हम लोग कम रह गए थे सरकार में, लेकिन जब भी 17 महीने हमको मौका मिला, जिस परिस्थिति में जो हमारा कमिटमेंट था, प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। आप देखेंगे 17 महीने में जो देश में कहीं नहीं हुआ था 2-4 चीजें, वो हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में करके दिखाया। 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया देश में, किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरी नहीं मिली। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की सीमाएं जो है 75% हम लोगों ने किया था। 2020 में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर हम लोग आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाएंगे।
उसको भी किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, ये भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उनको तो नौकरी मिलेगी। लेकिन और राज्यों में है कि भाई जो मेडल लाता है देश के लिए, जो अच्छा खिलाड़ी है उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए, और हम लोगों ने उस नीति को भी ला करके जो है लगभग 71-72 खिलाड़ियों को नौकरियां दी, और हाईएस्ट रैंक था डीएसपी लेवल का। तो उस काम को भी हम लोगों ने पूरा किया। और आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि ये चुनाव है, बिहार की जनता भी उम्मीद करती है हम लोगों से कि भाई 2024 के चुनाव में हम बिहार की जनता के लिए क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं। तो आज